राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। उन्होंने अपना फाइनल फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बता दिया है। राजस्थान के शहरी विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू के दौरान इसका खुलासा किया है। यूडीएच मिनिस्टर खर्रा का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाला मामला अब खत्म हो गया है। सीएम भजनलाल के साथ उनकी बातचीत हो गई है, जिससे उन्होंने इस्तीफा न देने के फैसले पर सहमति बताई है। मिनिस्टर खर्रा ने आगे कहा कि किरोड़ी लाल मीणा भावुक नेता है, मगर कई बार भावुकता से ज्यादा जरूरी समाज हित और राष्ट्र हित होता है। हालांकि अपने फैसले का संकेत किरोड़ी लाल मीणा ने 21 जून को योग दिवस वाले दिन ही दे दिया था। उस दिन न सिर्फ वे प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने सरकारी बैठक में भी भाग लिया था। और उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही थी कि अब वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। 24 जून को भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जनसुनवाई सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा के कार्यालय पर आयोजित की गई थी और मंत्री ने एक्स पर लिखा था कि आज सवाई माधोपुर में कार्यालय पर मेरे परिवारजनों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास किया। आपकी समस्याओं का समाधान करना ही मेरे जीवन का प्रथम ध्येय है। और इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा ने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते हुए अपने इस्तीफे पर अपना रुख साफ किया था। मंत्री ने बताया कि चुप रहकर किसी भी बात को स्वीकार कर लेना उनका स्वभाव है। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं किसान गरीब मजदूर की सेवा करते रहूंगा। और इसके लिए जरूरी नहीं कि सरकार में रहकर ही काम किया जाए। जब मैं सरकार से बाहर था, तब 26 लाख बच्चे रिट पेपर में बैठे थे। मैंने उस पेपर को निरस्त कराया था। सरकार में होता तो मैं निरस्त नहीं करा पाता। हर काम सरकार में रहकर नहीं कराया जा सकता। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा नहीं देने वाले इन कयासों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।